मैं ना पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान टीम को ना दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये अपने लिए खुद काफी है। अब क्या इनके मुंह में चूसनी डालकर हम बताएंगे कि भाई मैच कैसे खेला जाता है, कैसे मैच जीता जाता है? वो रिजवान बड़ी बड़ी बातें करता और उसके बाद मैदान पर 40 रन चाहिए तुमको। तुमको पता है कि यार बुमराह जैसा बॉलर है, पीक बॉलर है, मेन बॉलर है, वो विकेट लेने आ रहा है, लेकिन नहीं, इनको घूम के मारने, लप्पे मारने गवा दिया। अरे 119 पे नहीं जीते तो क्या जीतोगे? पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ना क्रिकेट को ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ होना नहीं है। ये जाएगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो आएगा, खिलाड़ी यही रहने हैं। वेल, जो ये बातें हम कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड वसीम अकरम कह रहे हैं। वसीम अकरम कह रहे हैं कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ना क्रिकेट को और आवाम के इमोशंस को ग्रांटेड ले रखा है। हम इस टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब हमें शर्मिंदगी हो रही है, हमें लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया और इन सबको भगाओ यार, सबको भगाओ, इनकी जगह नए लेकर आओ। ये सब अपने आप को तुर्रम खां सोचते हैं, इन्हें लगता है इन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट इन्हें खेलना ही नहीं आता। इफ्तिकार वो खाली एक शॉट लेग पे आता है, शदाब को एक दो शॉट आते हैं, इमाद की भी कहानी बड़ी फिक्स है, बाबर कोई सिचुएशन नहीं है, रोज धीरे धीरे खेलते हो जी। इस मैच में इंपॉर्टेंट मैच था तो तुमको 10 पे 13 बना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे। रिजवान को सिचुएशनशिप समझ में नहीं आ रही कि सिचुएशन कैसे संभालना है। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी खराब हो गई। वसीम अकरम एक तरफ पाकिस्तानियों को हड़का रहे थे, डांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तारीफ कर रहे थे रोहित शर्मा की। वो कह रहे थे कि यार बाबर आजम को सीखना चाहिए कप्तानी कैसे की जाती है, रोहित शर्मा से एक छोटा टोटल कैसे डिफेंड किया जाता है, कैसे गेंदबाजों को रोटेट किया जाता है और कैसे प्रेशर बनाया जाता है, ये रोहित शर्मा का बात था। वो कहते हैं कि यार 6 रन चाहिए थे हर ओवर में और 6 रन से स्ट्राइक रेट 18 पहुंच गया आखिरी ओवर में, जो बताता है कि क्या कमाल की कैप्टेंसी जो है रोहित शर्मा ने की थी। वैसे रोहित की कैप्टेंसी के कल सब मुरीद हो गए थे, क्योंकि अगर इंडिया मैच हारती तो सबसे ज्यादा गालियां रोहित शर्मा को पड़ती। लोग कहते कि यार बुड्ढों की टीम बना दी थी, रिटायरमेंट लेना नहीं इन्हें, ये खेलते रहेंगे और इंडिया को शर्मिंदा करते रहेंगे 2021, 2022 और अब 24, हर साल इंडिया ऐसा करेगी। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करके शर्मिंदगी से बचा लिया। ऑफकोर्स गेंदबाजों ने टॉप क्वालिटी बॉलिंग की, बहुत अंडररेटेड इंडियन बॉलर्स हैं, लेकिन शायद जो पाकिस्तान के बारे में वसीम अकरम ने कहा वो गलत नहीं कहा था कि इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में दुश्मन है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिससे जब आप उम्मीद करते हो तो वो आपको डिसअपॉइंट करती है, नहीं उम्मीद करते हो तो आपको सरप्राइज करती है। अमेरिका के सामने सबको उम्मीद थी पाकिस्तान हार जाएगा, जीत जाएगा, पाकिस्तान हार गया। इंडिया के सामने सब ये मानकर बैठे थे पाकिस्तान खराब खेलेगा, पाकिस्तान एक नंबर खेला। जब पाकिस्तान लगा मैच जीत जाएगा तब सिचुएशन को उन्होंने समझा नहीं और खराब खेलकर मैच गवा दिया। रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी ने मैच गवाया और इसीलिए अकरम भड़के, कहा यार 40 बॉल खेलने के बाद तुम उनके बेस्ट बॉलर को मार रहे हो, ये जानते हुए कि वो इस ओवर में विकेट लेने आए। वो कह रहे हैं यार इफ्तिकार 15 साल से खेल रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि मानो एक वो लेग साइड पे खेलने के अलावा उसे कोई शॉट नहीं आता। रिजवान को खास तौर पर अकरम ने डांट लगाई, कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी 40 बॉल प्लस खेलने के बाद, अगर आप बेस्ट बॉलर को इस तरह अनशन शॉट मार रहे हो तो फिर आप टॉप क्लास प्लेयर तो नहीं प्लेयर हो आप। वसीम कहते हैं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लगता है कि अगर वो खराब खेलेंगे तो केवल कोचिंग पैनल जो है उसे निकाल दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा, खिलाड़ियों को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि यही है जो है पाकिस्तान के पास। बट इनफ इज इनफ, इट्स हाई टाइम टू कीप द कोचेस एंड चेंज द एंटायर पाकिस्तान टीम। वो कहते हैं कोचेस को रखो, बेहतर है अब पाकिस्तान टीम को थैंक यू कर दो। दरअसल 119 रन बहुत कम थे, एक समय पाकिस्तान 14 ओवर में 3 विकेट के बाद 80 रन था, आसानी से जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी रिजवान ने वो क्रिएटिविटी की और थैंक यू हो गया। इस मैच में हार के बाद पाकिस्तानी शॉक है क्योंकि 14 ओवर सबने ट्वीट कर दिए थे, सबने कहा कि यार जीत रहे हम, फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वैसे वसीम अकरम गलत नहीं कह रहे, अगर आप 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और आप 14 ओवर में 80 रन बना चुके हैं तो वाकई में कोई आपको सिखाएगा नहीं कि आप किस तरह से खेलेंगे। और जो बात उन्होंने कही कि यार जसप्रीत बुमराह बॉलिंग पर आया विकेट लेने, हर कोई जानता है कि मेन गेंदबाज है, आराम से खेल लेते, बट ठीक है, अच्छी बात है। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है,
हमारे लिए अच्छा है कि वो उस तरह खेले। वसीम अकरम का ये वीडियो वायरल है, लेकिन जो बात उन्होंने कही या पूरी पाकिस्तान टीम को बदल देना चाहिए, नए लड़के आएंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। वैसे सही बात है, इफ्तिकार जैसे खिलाड़ियों की जगह अब नहीं बनती, वो टीम पर बोझ है। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वो एसेट है, इंडिया के लिए एसेट है। वैसे ही खेलते रहे, इंडिया के बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट वसीम अकरम ने बहुत सारी बातें कही, कहा यार मैच फीस के अलावा ये लोग इतने सारे पैसे भी लेते हैं, 60-65 लाख रुपए महीने कमाते हैं, उसके बावजूद खेलने की बारी आती है तो इतने गैर जिम्मेदार रवैया है, ये नहीं चलना चाहिए। इस बार कोचेस को रखो, भगाओ इन्हें, क्योंकि पाकिस्तान को अलग से दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद के दुश्मन है और अपने मुल्क का नाम बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगा हम आपसे पूछें कि अकरम जो कह रहे हैं कितनी सच्चाई उसमें लग रहा आती है।